पढ़ना लिखना सबको भाए, जीवन बगिया ये महकाए। अक्षर ज्ञान बड़ा अनमोल, जगह जगह तुम पीटो ढोल। कुछ ऐसे ही ढोलों की गूंज औरई ब्लॉक के भदोही जिले में भी सुनने को मिली, जहां साक्षरता दिवस के अवसर पर तारा अक्षर द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने मिलकर और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तारा अक्षर कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चलाया जा रहा है, जहां महिलाओं को 56 दिनों में पढ़ना लिखना और बुनियादी गणित सिखाई जाती है। उसके बाद 6 महीनों के लिए ज्ञान चौपाली चलाई जाती है, जहां महिलाएं सीखे हुए को दोहराती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में इन जानकारियों का इस्तेमाल करना भी सीखती हैं। 8 सितंबर 2018 को साक्षरता दिवस के शुभ अवसर पर भदोही जिले के जिला अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद IAS और मुख्य विकास अधिकारी श्री हरिशंकर सिंह ने साथ मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए, ज्ञान की रोशनी प्रकाश फैलाइए, ऐसी लौ बन जाए कि प्रकाशित करें पूरे अपने वातावरण को। ये आपका संकल्प होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है जो आप संकल्प लेंगी वो पूरा होगा। आपका पूरा तारा अक्षर और लिमिटेड रिलेटिव है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। जैसे पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, आगे बढ़ें और दुनिया को बदलने का संकल्प यही भारत से शुरू होगा। साथ ही तारा अक्षर से साक्षर महिलाओं को जिला अधिकारी और विकास अधिकारी ने मिलकर तारा अक्षर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साक्षर हो जाने के बाद उनके जीवन में आए परिवर्तन के बारे में महिलाओं ने विस्तार से बताया। प्रणाम करत हुई और सभी बहन और दीदी को सभी को हम अपना प्रणाम नमस्कार करते हैं। दीदी, हम एक मुद्दा आपको बताना चाहते हैं कि आप उस चीज के लिए आपको सीखना है, आपको उभरना है। एक आ रहा है अच्छा, जो महिलाएं ना पढ़ी लिखी हो वो भी पढ़ो और पढ़ो, आगे बढ़ो। जब तारा अक्षर पढ़े तो हमारा हिम्मत हो गया, तो मैं ITI कॉलेज में ड्यूटी भी कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे भी संभाल रही हूँ, कपड़ा भी सिल रही हूँ, सिलाई किया और वैसे जोड़े घटाओ में हम जैसा समझ में आ रहा, लेकिन पढ़ के अक्षर बाबन हम जोड़ घटाई नहीं थी। आगे आने वाले दिनों में साक्षरता के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स की ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी।